TWS ईयरबड्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। ANC जैसे फीचर्स जो सिर्फ पहले प्रीमियम सेगमेंट में मिलते थे, अब वो बजट सेगमेंट में भी देखने को मिल रहे हैं। ब्रांड्स आर सुपर एग्रेसिव फॉर गिविंग मोर फीचर्स इन द बजट सेगमेंट। इसी सेगमेंट में एक नया प्रोडक्ट आया है, Realme Buds Air 3, जिसकी कीमत 3,999 रुपये है। ऑन पेपर इसके स्पेक्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हैं, बट एक्चुअल यूसेज में एक ऐसा है, हम टेस्ट करेंगे इस रिव्यू में। बट बिफोर दैट प्लीज़ आप सब्सक्राइब तो कर दो। Realme Buds Air 3 में आपको इन ईयर फिट डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो काफ़ी सिंपल है बट ट्रेंडी लगता है। ईयरबड्स में शाइनी प्लास्टिक फिनिश देखने को मिलता है, जबकि स्टेम के लिए मैट मेटल फिनिश दिया गया है, जो कि इसकी प्रीमियम फील को और भी इन्हेंस करता है। बड्स में सिलिकॉन टिप्स दिए गए हैं एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हमारे पास इसका स्टारी ब्लू कलर ऑप्शन है, जो मुझे काफ़ी पसंद आया, ऑल्दो ये गैलेक्सी वाइट कलर ऑप्शन में भी अवेलेबल है। चार्जिंग केस को स्लीक सा डिज़ाइन मिलता है, जो देखने में पेबल जैसा दिखता है, और ये आपकी पॉकेट में इजीली फिट भी हो जाएगा। इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि मैट फिनिश के साथ आता है एंड फील्स वेरी नाइस टू टच। लेकिन ये केस बहुत स्लिपरी है एंड स्क्रैचेस भी जल्दी से पिकअप कर लेता है, सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे एक केस के साथ इस्तेमाल करें, जो आप सेपरेटली परचेस कर सकते हैं। सामने की तरफ बैटरी एंड चार्जिंग इंडिकेटर लाइट शामिल है, साइड में देयर इज अ फंक्शन की, जिससे पेयरिंग मोड को ऑन कर सकते हैं। इसमें चार्जिंग के लिए टाइप सी का पोर्ट भी दिया गया है। ईयरबड्स कानों में अच्छी तरह फिट हो जाते हैं और इजीली नहीं गिरते हैं, इवन व्हेन आई वाज रनिंग और साइकिलिंग। बॉक्स में एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी दी गई हैं, तो आप अपने कान के हिसाब से इसे चेंज भी कर सकते हैं। बड्स का स्टेम साइज छोटा है और इस वजह से काफ़ी लाइट वेट भी फील होते हैं। ईयरबड्स IPX5 सर्टिफाइड हैं, मैंने इसे जिम में भी यूज़ किया है और मुझे स्वेटिंग को लेकर कोई भी इशू नहीं हुआ। लेकिन इसका केस वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, तो इसे आपको संभाल कर यूज़ करना पड़ेगा। Realme Buds Air 3 में लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.2 दिया गया है विद AAC हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक। आप जैसे ही ईयरबड के केस को खोलेंगे, ये फोन से इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। ईयरबड्स में ड्यूअल डिवाइस कनेक्शन का फीचर मिलता है, जिससे एक ही समय में दो ईयरबड्स को अलग अलग डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसे एक साथ लैपटॉप और फोन के साथ कनेक्ट किया एंड इट वर्क्ड रियली वेल। ये बहुत कमाल का फीचर है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में देखने को नहीं मिलता है। ईयरबड्स में इन ईयर डिटेक्शन सेंसर भी मिलता है, अगर आप बीच में ईयरबड को कान से निकाल देंगे तो म्यूजिक अपने आप रुक जाएगा। एक फीचर जो मुझे काफ़ी पसंद आया वो ये है कि अगर आप एक ईयरबड को कान से निकाल देते हैं, तो दूसरा अपने आप ट्रांसपेरेंसी मोड पर शिफ्ट हो जाता है। अगर टच कंट्रोल्स की बात करूं, तो इसमें डबल टैप से प्ले पॉज कर सकते हैं, ट्रिपल टैप से नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ईयरबड पर 2 सेकंड तक प्रेस करने से ANC या ट्रांसपेरेंसी मोड पर टॉगल कर सकते हैं। इसका रिस्पांस बहुत क्विक तो नहीं है, बट डिसेंट है कंसिडरिंग इट्स प्राइस पॉइंट। Realme Link ऐप से टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो ट्यूनिंग, नॉइस कंट्रोल कस्टमाइजेशन एंड ईयरबड का फिट टेस्ट भी कर सकते हैं। ईयरबड्स में 88 मिलीसेकंड लो लेटेंसी भी दी गई है। लेटेंसी जितनी कम होती है, उतना ही रियल टाइम में साउंड आपके कानों तक पहुंचता है। वीडियोस और मूवीज देखते वक्त मुझे ऑडियो सिंक को लेकर कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। इसमें एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी दिया गया है, जिसे आप ऐप के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं। गेमिंग के दौरान अगर डिलेड फीडबैक आए, तो वो मज़ा नहीं आता है। इसका गेमिंग मोड कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है, बट बैटल रॉयल और शूटिंग गेम्स के हिसाब से मुझे ये उतना एक्यूरेट नहीं लगा। Realme Buds Air 3 में 10mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो कि लो, मिड और हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मुझे इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। मैंने इसे पहनकर बहुत सारा मल्टीमीडिया कंजम्पशन किया है एंड इस दौरान मुझे किसी भी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिला। वोकल्स बहुत क्लियर सुनाई देते हैं एंड इसमें डिसेंट बेस भी मिल जाता है, तो अगर आप बेस पसंद करते हैं, तो ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ईयरबड्स में 42 dB का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, जो कि TUV रिनलैंड सर्टिफाइड है। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स को सर्टिफाइड करता है। मैंने इसे नॉइसी एनवायरनमेंट में टेस्ट किया है और ये काफ़ी हद तक बैकग्राउंड नॉइस को आइसोलेट कर देता है। देयर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंसी मोड, जो कि अच्छे से काम करता है एंड लेट्स यू हियर एम्बियंट नॉइस, जैसे कि फैन नॉइस, ट्रैफिक नॉइस एंड पीपल टॉकिंग नेक्स्ट टू यू। अगर कॉल क्वालिटी की बात करें, तो इसमें ड्यूअल माइक का सपोर्ट दिया गया है और मेरे एक्सपीरियंस में साउंड क्लियर ज़रूर है, बट आपकी आवाज़ को ये हॉलो इफेक्ट दे देता है। इसके साथ डीविन टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो विंड नॉइस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है। मैंने इसे अपनी टेस्टिंग में तेज़ हवा के साथ यूज़ किया, बट मुझे कोई डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ। मेरे मिक्स्ड यूसेज में Realme Buds Air 3 4 घंटे तक इजीली चल गए थे। अगर आप इसमें ANC मोड को यूज़ करेंगे,
तब भी ये लगभग 3 घंटे तक का बैकअप इजीली दे देंगे। ईयरबड्स को फुल चार्ज होने में करीब 1 घंटे का समय लगता है। मुझे इससे 20 से 21 घंटे तक का टोटल बैकअप इजीली मिल गया था। इस सेगमेंट में कंपटीशन बेटर बैटरी बैकअप ऑफर करते हैं, बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट ईयरबड में फास्ट चार्जिंग दी गई है, जिससे सिर्फ 10 मिनट चार्ज करके 100 मिनट का प्लेबैक टाइम ले सकते हैं। Realme Buds Air 3 बजट सेगमेंट में बहुत सारे फीचर ऑफर कर रहा है, बट इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि इसकी कॉल क्वालिटी एवरेज ही है और इसका गेमिंग मोड भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। लेकिन ये कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है। ये बहुत ही प्रीमियम दिखने वाले ईयरबड्स हैं, जिसमें साउंड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी दी गई है, ANC भी बहुत अच्छे से काम करते हैं और कस्टमाइजेशन के लिए ऐप सपोर्ट भी दिया गया है। फॉर द प्राइस ऑफ 3999, मैं Realme Buds Air 3 को इजिली रिकमेंड कर सकता हूँ।